हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेता किचन। आज मैं आपको मसूर दाल की रेसिप जो कैसे ढाबा स्टाइल में बनाते हैं वो दिखाने वाली हूँ। मसूर दाल बहुत हेल्दी भी है और बहुत टेस्टी भी लगता है। आप इसे रोटी के साथ, चपाती के साथ ट्राई कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही टेस्टी बनेगा। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स मैं बता देती हूँ आपको। आपको पहले 200 ग्राम मसूर दाल, जो रात में आप भिगो के रख सकते हो, अदरवाइज़ आप मॉर्निंग अगर भूल गए रात को रखने के लिए तो फिर मॉर्निंग 3 सीटी कुकर में भी एक करके रख सकते हो। तीन सीटी आना चाहिए। उसके बाद मैंने बारीक कटे हुए प्याज लिए हुए हैं और बारीक कटे हुए टमाटर लिए हुए हैं और कोरिएंडर लीव्स जो बारीक कटे हुए, धनिया और 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, 1 चम्मच टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। चलिए अब दिखाती हूँ मैं आपको कैसे बनाते हैं ये ढाबा स्टाइल मसूर दाल करी। मैंने अभी एक पैन में तेल गरम करके रख लिया है। तेल गरम होते ही मैं इसमें अभी प्याज, जो बारीक कटे हुए चॉप्ड प्याज है, जो उसे डाल रही हूँ। तेल गरम हो गया है। ऑयल आप थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको ऑयल ज़्यादा पसंद है तो, फिर बिकॉज ये ढाबा स्टाइल है, थोड़ा ऑयल ज़्यादा ही हो तो अच्छा रहेगा। जैसे आप ढाबा में देखते हो कि बहुत सारा ऑयल रहता है उसमें और टेस्टी भी बन जाता है उससे। अभी मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है गोल्डन ब्राउन कलर में आने के लिए। अभी मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ, जो मैंने बारीक कटे हुए टमाटर है जो ऐड कर रही हूँ, और थोड़े सा धनिया इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा धनिया मैं पहले इसे ऐड कर रही हूँ और थोड़ा मैं बाद में लास्ट में ऐड करूंगी। इसे 2 to 3 मिनट्स तक फ्राई कर लेना है। मैंने इसे 2 मिनट्स पका लिया है। अभी मैं इसमें रेड चिल्ली पाउडर, टर्मरिक और गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला पाउडर वो भी ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेना है, थोड़ा फ्राई कर लेना है। और इसमें सॉल्ट मैं ऐड कर रही हूँ अभी। ये स्वाद अनुसार है, आपके थोड़ा कम कैसे चाहिए। मैंने 1 टेबलस्पून ज़्यादा हुआ है इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेना। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। और जो मसूर दाल जो मैंने रखे है वो उसे मैं ऐड कर रही हूँ अभी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा कोरिएंडर मैं अभी, धनिया थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ अभी। और मैं इसे 2 मिनट्स के लिए पकाने के लिए रख रही हूँ। सो
सो मैंने इसे ढक दिया है 2 मिनट्स के लिए, मैं इसे पकाने के लिए रख रही हूँ। सो इसके बाद ये मसूर दाल रेसिपी बन जाएगा ढाबा स्टाइल का। फ्रेंड्स, ढाबा स्टाइल मसूर दाल करी अब रेडी हो गया है। आप इसे चपाती के साथ या तंदूर रोटी के साथ इसका मज़े ले सकते हो। सो आप भी घर पे ट्राई कीजिए और इसका मज़े लीजिए, बहुत ही टेस्टी बन जाएगा। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय फ्रेंड्स।